महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। लगातार भाव गिरने से किसान परेशानी में है। हालत ये हो गई है कि किसान अब अपने प्याज को खेतों में नष्ट कर दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्याज का भाव इतना कम मिल रहा है कि लागत भी नहीं निकल पाएगी। ऐसे में किसान अब प्याज को खेत में नष्ट कर अब दूसरी फसल लगाने का सोच रहे हैं। वही कुछ किसान प्याज स्टोर करने पर ध्यान दे रहे हैं। गिरते दाम को लेकर महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिघोले ने लासलगांव कृषि उपज मंडी समिति का दौरा किया और बाजार समिति प्रशासन व्यापारियों से बातचीत कर उन्हें एक पत्र सौंपा। उन्होंने कीमतों में सुधार की मांग की है। भारत दिघोले ने कहा है कि हमारी सरकार से मांग है कि वो निर्यात बढ़ाए ताकि किसानों को सही दाम मिल सके। भारत दिघोले का कहना है कि लासलगांव कृषि उपज मंडी सबसे बड़ी मंडी है, यहीं से रेट तय होता है, लेकिन किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हमने मंडी प्रशासन को पत्र लिखकर इस मामले में सुधार की मांग की है। प्याज की कीमतों में अनियमितता का असर उपभोक्ताओं से ज्यादा किसानों पर पड़ता है। किसानों को एक तरफ बढ़ती उत्पादन लागत और दूसरी तरफ गिरती कीमतों के दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर लोड शेडिंग शुरू हो जाने के कारण समय पर सिंचाई नहीं हो पा रही है और प्याज की फसल खेत में जल रही है। प्याज की कीमत को उत्पादन लागत से अधिक करने के लिए संघ ने चर्चा भी की है। किसानों का कहना है कि उम्मीद है कि प्याज उत्पादक संघ और मंडी समिति प्रशासन की बैठक के बाद एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दे को उचित दिशा मिलेगी और किसानों को सही भाव मिलेगा। लासलगांव कृषि उपज मंडी समिति अपने प्याज बाजार के लिए प्रसिद्ध है। इस मार्केट कमेटी का प्याज का कारोबार देश ही नहीं एशिया में भी सबसे ज्यादा है। इसी मंडी के रेट के हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों में प्याज के रेट तय होते हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों किसान 300 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल पर प्याज बेचने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन में प्याज की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद हम किसानों ने सोचा कि रबी में प्याज की खेती कर नुकसान की भरपाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। वही मंडी समिति का कहना है कि खरीफ और गर्मी के प्याज की आवक शुरू हो गई है। आवक बढ़ने से प्याज के दाम गिर गए हैं। इसी वजह से किसान प्याज को स्टॉक कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब अच्छा रेट मिलना शुरू होगा तभी हम इसकी बिक्री करेंगे। वहीं कुछ किसानों के पास स्टॉक करने की सुविधाएं नहीं होती हैं। ऐसे में वे कम भाव पर बेचने को मजबूर हैं। अब स्टॉक किए गए प्याज अक्टूबर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।